जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मम्मा के किचन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप सब अपने घर में मैकरोनी और स्पैगेटी अलग अलग तो जरूर बनाते होंगे, लेकिन मैकरोनी और स्पैगेटी दोनों को मिक्स करके बनाना मेरे घर का ही काम है। तो मम्मा आज बना के दिखाने लगी हैं हमें मैकरोनी और स्पैगेटी मिक्स। ये सारा उसका सामान पड़ा हुआ है। मैंने सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर करते हैं, आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी सही बन गई तो उम्मीद है आपकी भी सही बन जाएगी। देखते हैं। अच्छा, मैकरोनी प्लस स्पैगेटी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए सब मैंने निकाल के शेल्फ पे रखा हुआ है। पहले मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ, फिर मम्मा जो है वो आगे बताएंगी, क्योंकि उसके आगे तो मुझे भी नहीं पता। मम्मा सारा उसके आगे बताएंगी और बना के दिखाएंगी, फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान हमें मैकरोनी प्लस स्पैगेटी बनाने के लिए चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये आ गया अनियन, ये आ गई कटी हुई गाजर, ये आ गई शिमला मिर्च। मम्मा ये क्या? लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया, ये टमाटर आ गया, ये बोनलेस चिकन आ गया, ये सारे मसाले आ गए आपके, नमक और सारा कुछ, ये आलू और आलू बॉइल्ड और ये मटर आ गए, ठीक है। ये आपकी स्पैगेटी और मैकरोनी बॉइल्ड होके मिक्स हुई हुई है। ये आपका दही आ गया और ये आपके तीनों चिली सॉस, सोया सॉस और ये आ गई विनेगर, ठीक है। ये सारा सामान चाहिए हमें मैकरोनी प्लस स्पैगेटी बनाने के लिए। अब शेफ मम्मा बना के दिखाएंगी हमें। जी मम्मा जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पंजाबी माँ की चाइनीज रेसिपी, ठीक है, पंजाबी माँ की चाइनीज रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे, दो तीन चम्मच बामुश्किल, चलो चार चम्मच डालें, ठीक है। फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक हो गया, मिक्स कर लेंगे। ये आपने डाला दही, चार चम्मच दही और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मसाले, अब सारे मसाले जो आपको दिखाए पहले, अम्मा साथ साथ बताते जाओ। ये नमक, नमक आ गया, जितना आप खाते हो उसके हिसाब से। हसबे जायका। इसमें ये दड़ा मिर्च, दड़ा मिर्च आ गई, और ये लाल मिर्च, ये लाल मिर्च आ गई, और ये काली, काली मिर्च, और ये सफेद, सफेद मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला, गरम मसाला और चाट मसाला, ठीक है। चार चम्मच दही, सारे मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सिरका, ये आ गया सिरका, कितना चम्मच? क्या ये दो, दो चम्मच सिरका। अब इसमें सोया सॉस, ये भी दो चम्मच, ये दो चम्मच, दो चम्मच सोया सॉस, बेहतरीन। सोया सॉस वो क्या थी? अच्छा सोया सॉस ये है, दो चम्मच वो भी डाल दिए, दो चम्मच ये सोया सॉस, डालो सारे, ये नाम आगे पीछे हो गए इसमें क्या। हाँ क्या बात है, बट सब क्या बात, पंजाबी होते हैं। अच्छा जी, हो गया जी। अब इसमें चार चम्मच दही के, और ये तीनों जो सॉसेजेस हैं, दो दो चम्मच सॉसेजेस के, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और सारे मसाला जात इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन जो है, जो आपने बोनलेस चिकन है आपका, वो आप इसमें मैरिनेट कर लेंगे। अब इसको हम नहीं, हम मिक्स करके ना इसको हम ना कोई 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं ना, जरा मैरिनेट करके। जी 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे, ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे। मसाला वगैरह सारा आपका जो सारा मसाला तैयार हुआ है, इसको आप मैरिनेट करके 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, इसकी तैयारी की तरफ। जी शेफ साहब बताइएगा क्या करना है। फ्लेम हल्का रखा ना, ठीक है। हाँ। फ्लेम किसे कहते हैं माजी, चूल्हे को? अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था ना, मैं चूल्हा जला लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें दो चम्मच जो है ना ऑयल के डालेंगे, ठीक है, दो नहीं थोड़ा ज्यादा है, मेरी हमारी मकरोनी बहुत कम है, ठीक है। ओके, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमारी इतनी सी फैमिली है और इतनी सी मैकरोनी और प्लस स्पैगेटी बननी है, तो उसके लिए 1.5 चम्मच ऑयल काफी है। जी ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है जी माँ जी। अब इसमें प्याज डालेंगे पहले, प्याज आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ठीक है। इसको ना हमने गोल्डन नहीं करना, इसको गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका ना वो रंग चेंज करना, थोड़ा सा कलर होने चाहिए प्याज को, हमने फुल जो है वो लाल नहीं होने देना, बस थोड़ा सा इसका रंग चेंज करना, ये इसका हल्का सा रंग चेंज हो चुका है, बस इतना ही करना, ज्यादा गोल्डन नहीं करना इसे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, बीच में आ गए टमाटर, अब टमाटर को थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए टाइम लगेगा,
टमाटर को थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर मिक्स होने देना ऑयल और प्याज के अंदर, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये देखो ये एक दम हो गया ऐसे जी। अब इसमें हम जो मैरिनेट करके रखा हुआ ये हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब ये है हमारा ऑयल गरम करके, उसमें प्याज, प्याज का रंग बिल्कुल हल्का सा चेंज करना, ज़्यादा उसको लाल नहीं करना। फिर उसमें टमाटर, तीनों को मिक्स करना। जैसे ही वो मिक्स हो जाए और उसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हमने सबसे पहले मैरिनेट किया था, मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम इसको एक मिनट के लिए हम इसको ज़रा भून लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे उसके ऊपर, फिर ढक्कन दे देंगे इसका। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा भून के ना फिर हम बताते हैं, पानी भी डाल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ना, इसने घी छोड़ दिया ना, ये इसके ऊपर घी आ गया ना, ये देखो जी जी। इसका मतलब ये भून गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, चिकन थोड़ा सेव हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? चिकन गल जाएगा थोड़ा सा अच्छी तरह से। ठीक, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। यूँ 2 मिनट के लिए ऊपर से बंद कर देंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा इसका, फिर इसमें ये चीज़ें ऐड करके घोल करके भूनते रहे। हमने पानी डाला था ना चिकन को थोड़ा सा जी 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 सॉफ्ट करने के लिए, भूनने के लिए। अब देखो चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे, तो ये थोड़ी सी हार्ड है जी, ये कटी हुई गाजर हम इसमें डाल देंगे। इसको ये थोड़ी ना, इसको 2 मिनट लगेंगे, ये हार्ड होती थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है। इसको हम पहले डाल दें, बाकी बाद में इसको इसके साथ ही ये भी थोड़ी गल जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसको एक दो मिनट लग जाएगा, एक दो मिनट बस। अब देखो जो मैंने इसमें गाजर डाली थी ना वो काफी हार्ड थी, आप देखो ये काफी अच्छी तरह मिल रही है ना। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। ओके, इसको भी थोड़ा सा छोटे कर लेंगे। अब ये चारों चीजें मिक्स हो गई, थोड़ा छोटे कर लेंगे। अब ये शिमला भी हो गई इसमें, शिमला मिर्च भी आ गई, गाजर भी आ गई, शिमला की खुशबू, चिकन भी सारी हो गई आपका इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ। मटर है ना, मटर और ये आलू ये मैंने बॉईल करके रखे हुए जी जी जी। ये ठीक है, ये इसको ऐसे ये भी मम्मा, ये तो पूरा सालन ही बन गया। ऐसे ही होता है बेटा सालन, और क्या तुझे कुछ और करना। अच्छा, अल्लाह खैर करे, इज्जत रह जाए। सही, इस बार रब रखे वाला है। मैं रोजे के साथ बना के तुम लोगों को दिखा रही हूँ तो कैसे इज्जत नहीं रहेगी। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ये अच्छे से इनको जरा मिक्स हो गया सारा। ठीक है, अब इसके अंदर रिपीट कर देते हैं एक बार मम्मा जी। इसके अंदर है चिकन मैरिनेट किया हुआ, इसके अंदर है गाजर, इसके अंदर है शिमला मिर्च, इसके अंदर है सारा प्याज, टमाटर, आलू, मटर, ये सब इसके अंदर है। पूरी वेजिटेबल्स, हाँ पूरी वेजिटेबल्स और चिकन मैरिनेट किया हुआ सब इसके अंदर है। ये सारा कुछ यानी पैटी का सामान सारा रेडी हो गया ना। समझ गया समझ गया, मतलब सारा कुछ जो पहले आपको दिखाया था वो सारा कुछ इसके अंदर आ चुका है। अब सिर्फ जो है स्पेगेटी और मैक्रोनी इसके अंदर डालनी है। अब ये आ गया स्पेगेटी और मैक्रोनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शेफ साहब, इसको ना खोल डालेंगे ऐसे। इसको ऑयल लगाया था ना मैंने कि ये गीला। अच्छा, इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था थोड़ा थोड़ा सा ताकि ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या बात शेफ मम्मा। यार मुझे खुद मजा आ रहा है। अब इसको राम राम से हमने मिक्स कर लेना, कहीं काम खराब ना हो जाए। नहीं खराब क्यों होगा, मैं कह रही हूँ ला के बना रही हूँ, खराब नहीं होगा काम। शक्ल तो अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है, आप देखना सही इंशाल्लाह। मम्मा की रेसिपी रेडी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारी स्पेगेटी प्लस मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अभी तो हैं हम रोजे में, अभी खा के नहीं बता सकते, बस रह गए हैं आधा घंटा। तो इंशाल्लाह आई स्वेयर ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि कैसी बनी है कैसी नहीं। आप लोगों को घर पे ट्राई करनी चाहिए या नहीं, सिर्फ आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको और अम्मा भी आपको खा के बताएंगे इफ्तारी के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है, अब मैं टेस्ट करके तो आपको बताता हूँ कि आपको इसे अपने घर पे ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आई स्वेयर मत देखिए यार, मजा आया। बट आप लोग खाली मुझ पे यकीन ना करो, मैं आपको और प्रूफ देता हूँ, रुको। बट साहब ट्राई करना, कैसी है? जबरदस्त। और जिंदाबाद मुबशर पुत्र, बहुत मजा आया। ओके जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बच्चों, अगर आपको देसी माँ की चाइनीज रेसिपी पसंद आई हो तो बताना जरूर, फिर मैं आपको और मजे मजे खाने में ला के दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैक्रोनी प्लस स्पैगेटी बहुत मजे की बनी थी, 10 out of 10 फ्रॉम माय साइड। आप सब अपने अपने घर जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ऐसे ना किया करो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।